नमस्कार गुरुजी, नमस्कार आईडी नमस्कार जी, हरे नमस्कार। हेलो जी हेलो, हरे। वेलकम। नमस्कार कमला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, म्यूट पे हैं कमला जी। जी वेलकम बैक नमस्कार, कमला जी, वेलकम बैक। थैंक यू एडमिन, थैंक यू। असद भाई नमस्कार नमस्कार आशा जी, कमला जी, कैसी हैं आप दोनों? जी, बिल्कुल ठीक जी, क्या बहुत है, अच्छे बहुत अच्छे, कैसा रहा वीकेंड? बहुत बढ़िया, बहुत बिजी। दिवाली की पार्टीज चल रही है इस समय, और क्या। वही, मैं भी इस वीक काफी बिजी था। मेरा थर्सडे को भी शो आ गया, फिर फ्राइडे को भी शो आ गया। हालांकि थर्सडे को एडीजे की क्लास होती है रात में, वो भी नहीं मैं कर सका, तो काफी बिजी रहा। कोई बात नहीं, दैट जस्ट मीन्स आई हैव टू डू मोर प्रैक्टिस। हाँ चले जी, शुरू करते हैं। हमने जो लास्ट जो किया था जी, वो एक एक करके, आप आशा जी आप शुरू कीजिए पहले। अजत बताती भाई जी, जी हूँ। अजत भाई, कमला जी वॉज अवे फॉर 3 वीक्स, तो थोड़ा हाँ हाँ रिफ्रेशर करा दीजिए। बिल्कुल करवा देंगे। कमला जी जी कहाँ तक थी वो मैं अभी आशा जी का मैं सुन लूँ, फिर उसके बाद जी कमला जी जी जो आपने जो लास्ट लेसन लिया था वो देख के फिर हम आगे करते हैं। ठीक है। तो आपने ये कॉर्ड सिखाई थी हमको, ये वाली। ये गलत हो गई। हाँ, गलत ये वाली गलत हो गई। ओके, फिर से करती हूँ। नहीं, मैंने आपको ये बताया था सी की फर्स्ट पोजीशन होगी, आपने सी की सेकंड पोजीशन बजा रही हैं। अच्छा, वो गलती है फिर, अच्छा पिछला वाला फिर। आप जंप कर रही है ना, था हाँ, हमने तो जंप से बचने के लिए पोजीशन चेंज की है। ओ तो पहली वाली सी की कौन सी है फिर सी वो? की फर्स्ट पोजीशन है सीई जी। अच्छा, तो ये हो गई। हाँ, एफ की पोजीशन नंबर टू सी एफ ए। अच्छा, नहीं, यस, और जी की भी सेकंड पोजीशन है डी जी बी। यस, तो सी की पोजीशन गलत है। सी की पोजीशन गलत है आपकी। हाँ, तो ऐसे। नहीं, सी के बाद एफ पे जाना है आपने। अच्छा, हाँ एफ की कौन सी? अच्छा, हम थम आपका सी पे ही रहेगा। और एफ वाला है, सी एफ है। अच्छा, यस। और फिर जी। अच्छा, तो मैं इसको लिख लेती हूँ, मैं थोड़ी गलती हो गई। सी का है पहला वाला सी का पहला वाला जी, इसमें है सी एफ सी ई जी, सी ई जी। अच्छा दूसरा एफ का पोजीशन नंबर टू विच इज सी एफ ए, जी, और जी का पोजीशन नंबर टू विच इज डी जी बी। ठीक है। मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिस और करती हूँ, मतलब कि ठीक मैं है रेडी अपना जी, आप म्यूट कर सुनाइए, दूँ। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप सस्पेंडेड वाला काम कर रहे हैं अभी, हाँ जी, आप सस्पेंडेड वाला काम कर रहे हैं अभी, सस्पेंडेड कॉर्ड्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सस्पेंडेड ना करें। आपने ये वाले जो कॉर्ड जो अभी आशा जी ने बजाए हैं वो आपने कर लिए?
ये तो आप आरपीजीओ बजा रहे हैं, कॉर्ड्स। हाँ जी, हाँ जी, नहीं एडी जी, जो अभी आशा जी ने बजा के दिखाया सी एफ जी, जो सी की पोजीशन नंबर 1, एफ की पोजीशन नंबर 2, जी की पोजीशन नंबर 2, ऐसे जैसे देखें सुनिए। अभी मेरा जो है जंप नहीं कर रहा हाथ, तो हमें वहीं पे हाथ रखे रखे तीनों पोजीशन बजा देनी है, तीनों कॉर्ड्स। ना ना ना, ये आप डी बजा रहे हैं। हाँ, एफ की पोजीशन नंबर 2, एफ की पोजीशन नंबर 2, सी एफ ए। ये मैं था इस दिन, मेरे नोट्स में लिखा ही नहीं कुछ। आप जो है वो बैठ के खाली वीडियो देख रहे होते हैं, बाकी लोग लिख रहे होते हैं। सॉरी जी। आपके बगैर तो क्लास शुरू ही नहीं होती। सॉरी, आई एम नॉट अ गुड एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल बन के दिखा दीजिए आप, फौरन लिख लीजिए, फिर पहले लिख लीजिए, अगर लिखा हुआ नहीं है तो ये हम तीन कॉर्ड बजाएंगे, सी एफ जी एफ सी। ठीक है, तो सी का हमारा होगा पोजीशन नंबर 1, विच इज सी ई जी, पोजीशन नंबर 1 सी का। ओके, उसके बाद एफ का पोजीशन नंबर 2 होगा, विच इज सी एफ ए। उसके बाद जी का पोजीशन नंबर 2 होगा, विच इज डी जी बी। आई एम लॉस्ट समवेयर हियर। आप लिखना भूल गए होंगे। नहीं, अभी मैं लिख रहा हूँ, वो भी मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। सी एफ जी बोला आपने, पोजीशन 1, 2 और 4। मैंने हाँ, सी सी का कॉर्ड, सी मेजर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड एंड जी मेजर कॉर्ड। तो जी मेजर कॉर्ड जी से नहीं शुरू होना चाहिए? जी मेजर का जी से जब शुरू करते हैं वो पोजीशन नंबर 1 होती है। अच्छा, उसकी पोजीशन नंबर 2 जो है वो है डी जी बी। Did you be like in Bob? Bob, yeah. Okay. Position 2 means आपको आसानी हो जाए, आपको जंप ना करना पड़े हाथ को, इसलिए पोजिशन नंबर 2 और 3 भी कई दफा यूज करनी पड़ती है। ओके, तो जी मेजर कॉर्ड इज पोजिशन 1, जी बी डी, जी बी डी, यस। ओके, एंड सेकेंड पोजिशन इज डी जी बी, डी जी बी। हाँ, तो फिंगर्स कौन से होंगे इसमें? फिंगर्स आपके वही होंगे, थंब आपका डी पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट आपकी फर्स्ट जो फिंगर है जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं वो जी पे आ जाएगी,
और जो आपकी फोर्थ फिंगर है वो बी पे चली जाएगी। ठीक है। अच्छा जी एक मैं आपको आप लोगों एक चीज और बता दूं। देखिए आसान क्या है तरीका, ये तीन पोजीशंस होती हैं कॉर्ड बजाने की, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फर्स्ट कीजिए, मैं यहां से सी बजा रहा हूं और सी मैंने पकड़ा हुआ है फर्स्ट, सेकंड मैंने पकड़ा हुआ है ई, तीसरा मैंने पकड़ा हुआ है जी। ठीक है, ये हो गई हमारी पोजीशन नंबर वन। अगर हम यहां से जी को छोड़ दें और जी को हम नीचे से पकड़ लें और थंब हमारा जी पर आ जाए और सी के ऊपर हमारी इंडेक्स फिंगर आ जाए और हमारी फोर्थ फिंगर ई पे आ जाए, ये हो गई पोजीशन नंबर टू। अब अगर हम यहां से ई को छोड़ दें, ई को छोड़ के हम थंब ई पे ले आए और जी पे हमारी आ जाए इंडेक्स फिंगर और सी के ऊपर आ जाए हमारी फोर्थ फिंगर, नोट्स वही है लेकिन ये थर्ड पोजीशन बन गई इसकी। तो सर जी, ये हर एक कॉर्ड के लिए अप्लाई है या सब, मतलब अलग अलग कॉर्ड के लिए अलग अलग फिंगर पोजीशंस अप्लाई होती हैं? ये उसके लिए जो भी कॉर्ड्स आपने बजाने हैं उसके लिए सेम पोजीशन ही अप्लाई हो। नहीं, जो तीन पोजीशन आपने बताई जैसे ना, हाँ तो वो खाली सी मेजर के लिए थी या नहीं, वो अलग एफ सबके लिए, मेजर के लिए भी सेम होंगी? सबके लिए सेम है। अच्छा, तो आप प्लीज देखिए, मैं वेरीफाई करती हूँ। जैसे एफ मेजर की तो पोजीशन वन में था कि थंब और फिंगर और सेकंड फिंगर, पहले हमने ऐसे सीखा था, पर वो नहीं है। वो भी ठीक है, वो भी अच्छा, ठीक है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन अब आप बोल रहे हैं थंब, इंडेक्स फिंगर एंड फोर्थ फिंगर। फोर्थ फिंगर इसलिए रखी जाती है क्योंकि अगर बीच में हमें एक और नोट प्रेस करना है तो हमारी एक फिंगर फ्री होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट कीजिए, ये सी में बजा रहा हूं, सी मेजर को अगर मैं यहां से नाइन्थ बजाऊं तो नाइन्थ के लिए मेरे पास एक फिंगर एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ये नाइन्थ कॉर्ड है। वो तो हमें अभी पता नहीं, नाइन्थ कॉर्ड का क्या मतलब? हाँ वो उसको छोड़ दीजिए अभी, वो बहुत आगे की चीज है, वो एडवांस में। अच्छा, तो जी। हमें एक फिंगर अपनी जो है ना फ्री रखनी पड़ती है बीच में ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें। लेकिन वो भी ठीक है, फर्स्ट और मिडिल फिंगर अगर आप डालेंगे तो वो भी ठीक है। नहीं तो जो अभी आपने बताया, आप फिर बताएं कि जैसे एक ही सी मेजर का बता दें कि हाँ फर्स्ट पोजीशन में कौन सी फिंगर्स हैं, सेकंड पोजीशंस में कौन सी फिंगर हैं और थर्ड में कौन सी फिंगर है, जो अब नया तरीका आप बता रहे हैं। यही तीन फिंगर्स ही हैं, थंब इंडेक्स एंड फोर्थ, अच्छा, वो यही फिंगर्स हैं फर्स्ट ये सेकंड फिंगर्स है थर्ड हर में? कॉर्ड में। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों में एक ही फिंगर्स है? हाँ बस खाली क्या होगा, थंब जो है वो सी से हटके जी पर आ जाएगा ओ अच्छा, और फिर अगर हम थर्ड पोजीशन लगाएंगे तो थंब हमारा ई पर आ जाएगा। ओ अच्छा अच्छा जो भी थैंक हमारा फर्स्ट मोड है उसमें हमारा थंब होगा यू। अच्छा, ठीक है, समझ आ गया। और जो सेकंड है उस पर इंडेक्स फिंगर होगी और जो थर्ड हमारा नोट है उसमें फोर्थ होगा। ठीक, आ गया, समझ में आ गया, थैंक यू। एडी जी समझ में आया आपको? नहीं, मैं लिख रहा ओके। हूं, मैं बाद में समझूंगा, आज दिमाग नहीं चल रहा आज। अरे क्या हो गया आपके दिमाग को? आज एडी जी का बर्थडे है, इसलिए बर्थडे मूड में है। हैप्पी ओहो हैप्पी बर्थडे, थैंक बर्थडे। यू थैंक हाँ यू एडी थैंक जी, यू फिर से थैंक यू थैंक आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से। जी एडी जी, यू थैंक जन्मदिन की यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो,
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नहीं मैं आपको बताता हूँ, आप लोग सब ग्रुप में हैं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो सारा हमारा काम कर रहा है संडे के लिए, उसने संडे को 11 to 1 एक और शो बनाया हुआ है। अच्छा, कहते मेरा ध्यान नहीं था, अब मेरे को बता रहा है 11th आवर में। वाह। दो तीन बार पहले भी हुआ है, एक बार उसने गप मारा कि मेरे को मंदिर में कॉल आ गया, मैंने दूसरे ग्रुप में देखा था वहां गाना गा रहे थे भाई साहब। मैं कहा इतना नादान है उसको नहीं पता कि आई बिलोंग टू दोस ग्रुप्स टू। सो एनीवे टुडे इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, ही सेज व्हाट कैन आई डू, कैनेडियंस आर वेरी कंफ्यूजिंग। एडी दी आपकी बर्थडे के लिए। अच्छा थैंक यू वेरी मच, दैट वॉज वेरी नाइस, थैंक यू सर। हम लोग ये गाना हम सीखेंगे नया, मतलब जब हम थोड़ा कॉर्ड्स को कर लेंगे फिर हम इसको बजाना सीखेंगे। अच्छा कमला जी, हम लोग कहाँ थे लास्ट? सॉरी, ये मेरी पहली क्लास है। ये आपकी पहली क्लास है? जी, मैं इसलिए नहीं आई कि मेरे पास ये कीबोर्ड नहीं था, लेकिन ये कहीं से अंदर से बच्चों का, जब ग्रैंड चिल्ड्रन छोटे थे तो वो निकल आया उनका, तो आई विल जस्ट सी कि अगर मैं थोड़ा सा कर सकती हूँ देन आई विल अरेंज फॉर वो। ठीक है ठीक है, चलिए तो फिर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। जीरो नॉलेज है अभी इसकी, पर थोड़ा सा हारमोनियम का हाथ मुझे पता है। जी अच्छा, आपको नोट्स के नाम याद है? नोट्स के नाम जी थोड़े बहुत, आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहा हूँ। अच्छा, बस मुझे थोड़ा ये पता है कि जो एडी भाई ने वो एक वीडियो डाला था पहली क्लास का, तो थोड़ा सा मैंने उसको देखा तो पता चला कि कैसे ये फिंगर्स को रखना है। ठीक है, अब जैसे लेफ्ट साइड से, मुझे पता नहीं आप बताइएगा सही है। और ठीक है, राइट से बस इतना मैंने। ठीक है अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले नोट्स के नाम लिखिए जी, और ये आपको याद होने चाहिए जी। तो जैसे ये दो ब्लैक जो नोट्स होते हैं जी, उसके नीचे वाला जो नोट है उसका नाम होता है सी जी। जी उसके बाद अगला जो व्हाइट नोट है वो होता है डी, डी एज ए लेवल। ये असद भाई ये मुझे पता है, सी डी ई एफ जी। जी जी, और जो ब्लैक नोट्स है उनका पता है आपको? जी वो शार्प है जी। ओके, शार्प नोट्स हो गए वो। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, जो पहली क्लास है हमारी वो हमने दोनों हाथों से एक साथ हमने प्ले करना है जी। वो जो इधर एक दूसरे के अपोजिट वाला तो थोड़ा बहुत फिर भी लग रहा है, अपोजिट ही करना है, अपोजिट ही करना है, अपोजिट ही करना है। हाँ मतलब दोनों नहीं, अच्छा, दोनों मिला के करना है। अच्छा देखो, नहीं नहीं ये आप सेकंड वाला बजा रही हैं। अच्छा, फर्स्ट वाला ये है कि दोनों सेम एक चलेंगे, साथ चल। एक साथ चलेंगे। परफेक्ट परफेक्ट, अपोजिट वाला भी आपने किया, अपोजिट वाला थोड़ा सा जी। हाँ दिखाइए, हाँ
परफेक्ट। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने पूरा स्केल बजाना है सी से लेके सी तक जी। ठीक है, उसके लिए हमारा थंब से शुरू करेंगे जी। थंब हमारा होगा सी पर जी। उसके बाद हमारी इंडेक्स फिंगर होगी डी पर जी। उसके बाद हमारी मिडिल फिंगर जो आएगी वो आएगी ई पर जी। उसके बाद दोबारा हमारा थंब जो है वो एफ पर आ जाएगा जी। उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स फिंगर हमारी जी पर जी। फिर हमारी मिडिल फिंगर ए पर जी। और हमारी फोर्थ फिंगर बी पर। उसके बाद दोबारा सी के ऊपर हमारा थंब आ जाएगा जी। ये थोड़ा सा हारमोनियम की तरह से थोड़ा सा परफेक्ट। अच्छा, अब हम आप तो फिर दो तीन क्लासें ऑलरेडी जानती हैं इसका मतलब। अच्छा, हमने जो उसके बाद जो किया जो आज हम कर रहे हैं वो वीडियो से जो था वो थोड़ा सा सीखा। हाँ, रेड्डी जी ने जो है वो वीडियो से सारा कुछ आपको सिखा दिया जी आपके ये क्लास। अच्छा, जो हमारी ये कॉर्ड्स वाली जो क्लास आज चल रही है ये नहीं है मेरे पास, मैं बिजी थी उन दिनों। ठीक तो है, मैंने देखा भी नहीं है उसको जी। तो अभी जो मैं इनको बता रहा था आपने लिखा साथ में कि नहीं लिखा? आपको जी जी लिखा है पर मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा समझ नहीं आया। मैं आप पूछिए, सवाल कीजिए मुझसे जी। तो इसमें है कि सीईजी राइट? हाँ, सीईजी जो है उसका नाम है सी मेजर कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम है। और ये शुरुआत होगी वाइट से तो इसमें है थंब इंडेक्स फिंगर एंड फोर्थ फिंगर। फोर्थ फिंगर बिल्कुल सही, बस इतना ही मुझे समझ आया। उसके बाद नहीं, उसके बाद दूसरा कॉर्ड है हमारा एफ मेजर का। अच्छा, ये एक कॉर्ड हो गया, बस ये एक कॉर्ड है, ये सी तो एक कॉर्ड है बस, एक कॉर्ड। अच्छा, हाँ, और फिर हमारा दूसरा कॉर्ड है एफ मेजर का, उसको कहेंगे एफ मेजर। एफ मेजर कहेंगे जी, जिसकी हम पोजिशन नंबर टू यूज कर रहे हैं, जिसमें नोट्स है सी एफ ए। ओके, तो इसको एफ मेजर कहेंगे। ओके, एफ मेजर कहेंगे इसको जी। और ये सी मेजर था, ये सी मेजर था जी। तीसरा कॉर्ड जो है हमारा वो है जी मेजर। जी मेजर, ओके। जी मेजर का हम पोजीशन टू यूज कर रहे हैं, जिसके नोट्स हैं डी जी बी। डी एज एन डेविड जी, जी एंड बी, बी एज एन बॉय। डी जी एंड बी, ओके ओके यस ओके। हजरत भाई, हाँ जी, ये आप स्ट्रेस कर रहे हैं सेकंड पोजीशन, तो इसका रेगुलर एफ मेजर क्या है? रेगुलर एफ मेजर है एफ ए सी, जो पोजीशन नंबर वन है। ओके, तो इसका भी फिर बी डी जी होगा, जी मेजर का है। यस, जी मेजर की फर्स्ट पोजीशन है जी बी डी। तो असद भाई, जो ये डी जी बी है, जो जो मुझे समझ में आया कि जब फिंगर्स रख रहे हैं तो सी से लेके सी डी ई एफ जी तक रख रहे हैं, राइट? सही सही। तो जब ये बी होगा तो इसको फिर कैसे पकड़ेंगे? फिर आपको बी के लिए क्या करना है, आपने थंब अपना वहां पे ले आना है डी पर। अच्छा, और जी के ऊपर आपकी इंडेक्स फिंगर आ गई। अच्छा, और फोर्थ फिंगर आपकी बी पे चली गई। ओके ओके, ठीक है। अब देखिए, अगर हम फर्ज कीजिए, अभी हम तो ये सी से बजा रहे हैं ना, सी एफ जी, ठीक है जी। अब फर्ज कीजिए हमारा कोई गाना जो है वो सी से नहीं है, वो एफ से है। तो एफ में हमें क्या होगा, हमारे एफ के कॉर्ड्स क्या होंगे, एफ बी फ्लैट मींस ए शार्प एंड सी मेजर। तो हम क्या करेंगे, एफ का फर्स्ट पोजीशन यूज करेंगे, बी फ्लैट का पोजीशन नंबर टू यूज करेंगे, सी का पोजीशन नंबर टू यूज करेंगे। हमारा क्या हो रहा है, हमारी जंग खत्म हो गई। वरना अगर हम ऐसे करें
तो जंग कितनी है देखें। देख रहे जंप कितनी आ रही है। जंप करने में क्या होता है, मिली सेकंड का फर्क आ जाता है जो म्यूजिक को खराब करता है। तो हमें जितना जंप से बचना है उतना हमें बचना पड़ेगा, हमें जंप से बचना है। कॉर्ड चेंज करने में जंप हमारा कम से कम होना चाहिए। उसके लिए आपको तीन पोजीशनें दी गई हैं कि आप उसको इस तरह से यूटिलाइज कर लो कि आपका जंप खत्म हो जाए। कोई जंप नहीं है, लग रहा है कि हाथ एक ही जगह पे रखा हुआ है। जी 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 ठीक है ना। ये सिर्फ टेक्निकल चीजें हैं ये जो ये समझनी जरूरी होती है। जी थोड़ा सा आराम से इसको देख के और धीरे धीरे करके तो फिर उसको। हाँ 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 धीरे धीरे आज आज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जी नहीं नहीं भाई साहब फ्लैट फ्लैट कहाँ पे आया? नहीं नहीं फ्लैट तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था अभी। अच्छा अच्छा वो एग्जाम्पल दिए मैंने। क्या अगर फर्ज कीजिए हमारा कोई गाना सी मेजर से नहीं है, कोई गाना हमारा एफ मेजर से बज रहा है, मेन कॉर्ड हमारा एफ मेजर है, तो फिर वो कॉर्ड चेंज हो जाएंगे ना। तो कॉर्ड में आपको बाद में बताऊंगा उसके। ठीक है मेरा एक क्वेश्चन है, जब आपने ये तीन कॉर्ड बजाई सी मेजर एफ मेजर एंड जी मेजर, जी मेजर, तो आपने जैसे आपका लगा कि कोई और फिंगर भी, आपकी फिंगर ऊपर नीचे हो रही है, बस खाली फिंगर ऊपर नीचे हो रही है बस, नहीं ये तीन ही है। आपने मुझे बताया कि सिर्फ हमें थंब इंडेक्स फिंगर और फोर्थ फिंगर इस्तेमाल करनी है बस, यही तो, किया मैंने। अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे बीच में कोई और फिंगर यूज हो रही है क्योंकि उसमें फिर ऊपर नीचे तो नहीं हो रही ना, मतलब जैसे थम ना, ना, तो ना, हो ना। गया। नहीं फिंगर्स यही तीन यूज किए मैंने। अच्छा ओके अच्छा एक और क्वेश्चन था जो अभी आपने कमला जी को बताया ना कि जब हम सी डी ई एफ कर रहे हैं तो ये हो गया थम। अच्छा अब जब वापस आना है इसमें सेम सेम फिंगरिंग से आना, नहीं तो वो वहां पर गड़बड़ है, तो अब सेम फिंगर में सी में थम किया सी बी ये फिर थम, अब यहाँ पे थम हाँ फिर मिडिल फिंगर वैसे यस बिल्कुल सही, ये सही है ओके हाँ ये बिल्कुल सही है। हेलो जी। हाँ जी ये सी मेजर में भी सेकंड पोजीशन है? सी मेजर की सेकंड पोजीशन है वो है जी सी ई। वो मैंने आपको एक तरीका बताया ना कि कोई भी कॉर्ड अगर आप फर्स्ट सी यहाँ से आपने पकड़ा हुआ है ठीक है, थम आपका सी पर है और फोर्थ फिंगर आपकी जी पर है, अगर आप फोर्थ फिंगर यहाँ से उठा लेंगे और थम अपना मूव कर देंगे जी के ऊपर तो ये पोजीशन टू हो गई। और अगर आपने यहाँ पे ई पकड़ा हुआ ना फोर्थ फिंगर से, अगर आप यहाँ से फोर्थ फिंगर को उठा देंगे और थंब अपना ई पर ले आएंगे जी तो ये थर्ड पोजीशन बन गई। अच्छा हाँ जो ऊपर के नोट्स हैं उनको नीचे से पकड़ते चले जाए तो पोजीशन चेंज होती चली जाएगी। आप एक बार फिर से प्लीज जो तीन कॉर्ड्स हैं वो बजाएं, दो दो बार बजानी है हमको, सी मेजर दो बार बजाना है हाँ दो दफा, फिर एफ मेजर दो बार और फिर जी मेजर दो बार सेकंड पोजीशन फिर से बजाएं। नहीं पर आप ही ना वही मैं देख रही हूँ कि एक फिंगर जो कि मिडिल फिंगर है वो इस्तेमाल हो रही है कहीं पे Middle लेकिन finger, हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। हाँ अब ये हुई ना मिडिल फिंगर इस्तेमाल। तो आपने वो मिडिल वाली फिंगर इस्तेमाल करी इसमें? इसमें मैंने करी जी के ऊपर।
जी के ऊपर, क्योंकि हम लोग ने अलग सीखा है ना, वो आप कह रहे हैं। नहीं 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 आप उसी पे रहिए, अच्छा मैं तो बहुत सारी पुलिस में बजाता रहता हूँ मैं, तो अच्छा 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 ठीक है, उसी जैसे बेसिक, आपने हाँ बताया। जो आपका जो बेसिक है वो वही है। अच्छा अच्छा ठीक है, वही मुझे वही कंफ्यूज, मेरी तो पांचों उंगलियां इधर से उधर घूमती रहती हैं। हाँ वही कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं देख रही थी आपकी फिंगर ऐसे मिडल भी हो रही है और ऊपर नीचे ऐसा लग रहा है अलग जा हाँ रही है, तो नहीं, ठीक आपने वही पोजीशन रखनी है जो बताइए। है ठीक, क्लियर हो गया, थैंक यू। तो अब मेरा सवाल है कि ये सस्पेंडेड कहां से आता है फिर, और क्यों आता है? सस्पेंडेड कॉर्ड जो है वो एक राग है, पहाड़ी राग। अच्छा पहाड़ी राग के अंदर सस्पेंडेड का यूज किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमारा जो गंधार है, मतलब सारे गा मा पादा नीसा होता है ना, तो उसमें सारे गा जो है वो कोई भी यूज हो सकता है, मतलब वो मेजर का भी यूज हो सकता है, वो माइनर का भी यूज हो सकता है, इसीलिए कोमा, हम उसको सस्पेंडेड में बजा देते हैं ताकि उसमें दोनों नोट्स यूज हो जाते हैं, माइनर वाला भी आ जाता है, मेजर वाला भी आ जाता है। अब कितने आप देखें गुजराती गाने ज्यादातर जो होते हैं ये गरबे वगैरह के जो कुछ हैं उसके अंदर मेजर माइनर दोनों नोट्स यूज किए जाते हैं गाने के अंदर, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी भी टाइम पे मेजर हो जाता है, कभी भी माइनर हो जाता है, तो इसीलिए हम उसको सस्पेंडेड पकड़ लेते हैं, सस्पेंडेड कॉर्ड हम पकड़ लेते हैं। जैसे ये तो देखिए, असद भाई इसका मतलब है कि जहां पर शुद्ध और कोमल दोनों स्वर इस्तेमाल किए जाए उसको सस्पेंडेड कॉर्ड उसको कहेंगे। सस्पेंडेड कॉर्ड देंगे। अब ये हमारा हो गया, शुद्ध हो गया, कोमल हो गया, मतलब मेजर माइनर हो गया, ठीक है। अब अगर सिंगर जो गाना जो है उसमें ये दोनों नोट्स यूज हो रहे हैं तो हम उसको ये कॉर्ड पकड़ लेंगे, सस्पेंडेड पकड़ लेंगे, कॉर्ड हमने सस्पेंडेड पकड़ा हुआ है लेकिन मेजर माइनर दोनों आ रहा है, शुद्ध कोमल दोनों नोट्स गाने के अंदर आ रहे हैं, लेकिन वो सस्पेंडेड कॉर्ड जो है वो पकड़ के रखा हुआ है उसने पूरे राग को। आया समझ में? आशा जी का कोई सवाल आ रहा नहीं वो थोड़ा थोड़ा समझ, आपने पूछा ना समझ में आया अभी थोड़ा थोड़ा। है? थोड़ा थोड़ा ही आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा, कोई बात नहीं, जल्दी एकदम थोड़ी ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा प्रोफेसर। सोचना पड़ेगा। यस इट्स नॉट इजी। हाँ तो असद भाई एक बार बताएं, जैसे ये जो आपने कॉर्ड पकड़ी और फिर गाना बजा रहे हैं तो ये इस तरह से हुआ जैसे कि कोई स्वर आप तीन स्वर दबा के गाते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल, वो कॉर्ड जो है वो तीन सुर आपने पकड़े हुए हैं गा रहे हैं उसमें, हजरत भाई ये अभी तक आपका सस्टेन चल रहा था लेफ्ट हैंड का? हाँ सस्पेंडेड ही चल रहा था वो। अच्छा हाँ, क्योंकि इसमें हमारे मेजर नोट भी आ रहा है इस गाने में झुमका किनारे में, माइनर का भी नोट आ रहा है, तो हमने सस्पेंडेड ही पकड़ के रखा। ठीक है ना,
फिर आगे जाके कॉर्ड चेंज होगा, झुमका झुमका गिरा झुमका। आया समझ में? अभी सिर्फ नोट्स लिखने के नायक समझ आया, नोट्स को समझने के लिए टाइम लगेगा। तो अभी जो जो कॉर्ड्स जो हमने किए ना CFG जी, उसके ऊपर अभी ध्यान दीजिए, उसकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए, फिर हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। जी जी। अच्छा अजत भाई, कमला जी को वो भी बता दीजिए, एस्परियो, एस्परियो बताया था आपने, RPGO। हाँ RPGO, हाँ वो बता दीजिए प्लीज। अच्छा कमला जी, अब यही सेम सेम नोट्स हैं जो हमारे CFG के कॉर्ड के हमने बताया ना जी। अगर हम इनको तीनों को एक साथ दबाते हैं जी, वो कॉर्ड बनता है। CFG को जब एक साथ दबा दें, हाँ तो उसको कहते हैं कॉर्ड है। ओके, लेकिन अगर हम उसको वन बाय वन बजाएं जी, ठीक है, ये तीनों नोट वन बाय वन बजा रहा हूं मैं जी, इसको कहते हैं RPGO। कैसे स्पेल करते हैं? ARPEGIO। RPGO, ओके ओके, ठीक है जी। तो यही हमने जिस तरह हमने ये तीन कॉर्ड बजाए जी, ठीक है, अगर हम इसको RPGO में हमने बजाना है तो हमने इसको ऐसे बजाना है, ठीक है जी जी। CFG, ये तीनों कॉर्ड्स की दो प्रैक्टिसेस हैं, एक कॉर्ड्स की है और एक RPGO की है। जी तो RPGO, ओके। चलिए आप लोग शुरू हुई है, मैं आता हूँ 10 मिनट में, प्रैक्टिस शुरू कीजिए।
हाँ जी, आपने जाना है काम पे। हाँ मैं आपको सुनाती हूँ, आप देखिएगा ठीक लग रहा है क्या। आगे भाई साहब, आगे आगे अजीत जी। अच्छा अच्छा सुनाइए जी। बच गया मैं बच गया मैं बच गया मैं बताती हूँ, मैंने बस करा है, फिर मुझे 1 o'clock हाँ उधर निकलना होता है। तो ठीक है, ये ठीक पोजीशन है, पोजीशन बिल्कुल ठीक है, बस आपने इनको दो दो दफा बजाना है ऐसे। अच्छा 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 ठीक है, मैं बजाती हूँ फिर। चलिए आपसे फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। मैं ये प्रैक्टिस और करूंगी, क्योंकि आप और कीजिए इसकी प्रैक्टिस। जी जी और अब एडी जी आप सुना दो। ठीक ओके आशा जी, बाय बाय। हाँ जी सुनाइए। मेरे से नहीं हो रहा जी। होगा होगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है स्टूपिड क्वेश्चन, बट आई एम गोना आस्क एनीवे। सी जी ई बजाया मैंने। सी जी ई क्यों? सी ई जी है। सी ई जी, सॉरी सी ई जी बजाया। सेकंड पोजीशन आप कह रहे हो जी सी ई। नो नो, अभी हम सी मेजर, एफ मेजर और जी मेजर बजा रहे हैं। ओके, एफ की दूसरी पोजीशन विच इज सी एफ ए, एफ की सेकंड पोजीशन, ये तो सी मेजर हो गया। हाँ लेकिन फिंगर आपकी जो है थंब आपका सी पे होना चाहिए, इंडेक्स आपकी एफ पे होनी चाहिए और फोर्थ फिंगर आपकी ए पर होनी चाहिए। अब आगे चले जाइए, डी के ऊपर थंब ले आइए, डी के ऊपर थंब ले आइए, जी के ऊपर इंडेक्स फिंगर ले आइए, जी पर इंडेक्स और बी के ऊपर फोर्थ फिंगर, ये सेकंड पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन जी मेजर की है। जी तो फर्स्ट से जब सेकंड पे जाते हैं, जी मेजर का फर्स्ट पोजीशन यहां है। हाँ जी मेजर का फर्स्ट ये है जी बी डी, ये फर्स्ट पोजीशन है। हाँ जी, तो फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे तो काफी बड़ा जंप है। हाँ वही तो, इसलिए तो अगर हम सी मेजर से कोई गाना बजा रहे हैं तो हम जी मेजर का पोजीशन 2 यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जंप ना लगे। ओके, हमेशा 2 ही यूज करेंगे। ये फर्स्ट पोजीशन बजा रहे हैं। अच्छा मैं सी मेजर करता हूँ दोबारा, ये फर्स्ट पोजीशन है। हाँ और ये सेकंड पोजीशन है। किस चीज की आप सेकंड पोजीशन पे जा रहे हैं? हाँ जी, आप सी की सेकंड पोजीशन पे जा रहे हैं। हाँ जी, सी की सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन हमें नीचे से बजानी है। नीचे मतलब इधर? हाँ मतलब, हाँ ये बिल्कुल देश, जी, हमारा, देश। जी हमारा नीचे आ गया। ओके ओके ठीक है। नो, जी की सेकंड पोजीशन पे जानी है। ये ठीक है जी? ठीक है।
अभी ये जो हमारी प्रैक्टिस में है इसमें हमने सी की फर्स्ट पोजीशन बजानी है और एफ और जी की सेकंड पोजीशन बजानी है, तब ये हमारी कंप्लीट होगी। ओके ओके ठीक है, सी की फर्स्ट पोजीशन, एफ की सेकंड पोजीशन, जी की सेकंड पोजीशन, ठीक। और उसको बजाना किस तरह से, दो दफा बजाना है, एक एक कॉर्ड को दो दफा खाली बजाना है, ठीक। हाँ जी कमला जी, आपका कोई क्वेश्चन? मुझे तो ज्यादा समझ नहीं आया, बस थोड़ा सा ये बताइए कि उंगलियां कैसे रखनी है, फिर मैं प्रैक्टिस करूंगी। उंगलियां तो जो है मुझे ये समझ में आया है कि सी ई एंड जी, ठीक है ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद सी एफ ए, सी एफ ए में उंगलियां ऐसे रखनी है कि हमारा थंब जो है, जब भी जो नीचे वाला नोट है ना उसके ऊपर थंब ही होगा। जी तो मैंने डी पे थंब रखा है, डी एफ पे इंडेक्स फिंगर एंड ए पे थर्ड, डी डी पे नहीं सी पे, अगर आप एफ मेजर बजा रहे हैं जी तो सी आएगा। अच्छा तो सी, जी हाँ जी सी एफ ए, ठीक है ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा जब जी मेजर के सेकंड पोजीशन होगी तो थंब हमारा डी पर आ जाएगा जी, ठीक है जी। बिल्कुल सही, अब वापस आने का मुश्किल हो रहा है लेकिन मैं कोशिश करूंगी, बिल्कुल नहीं नहीं करिए करिए, प्रैक्टिस करूंगी मैं जरूर जी। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी, अब मैं प्रैक्टिस करूंगी जरूर, प्रैक्टिस कीजिए जी कीजिए। एडी जी आपको कुछ समझ में आ गया सारा कुछ, या कुछ सवाल है? तो असल में एक बात पूछनी थी, हाँ जी, कि ये जो मेरा कीबोर्ड है ये तो बहुत बच्चों वाला कीबोर्ड है, थोड़े दिन चलेगा इससे जब तक बड़ा वाला नहीं आए? हाँ हाँ थोड़े दिन चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। इस पे हमें फिंगर पोजीशन जो है अपनी ठीक करनी है जी। अच्छा जैसे हमारी फिंगर पोजीशन ठीक हो गई फिर आप जी, वाला जी। तो जैसे हम ये दाएं हाथ से बजा रहे हैं उसी तरह से हमको आना चाहिए कि हम बाएं हाथ से भी कर पाए, बिल्कुल, क्योंकि कीबोर्ड जो है वो दोनों हाथों से बजता है, सिर्फ हारमोनियम एक हाथ से बजता है, क्योंकि जी 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 ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि हारमोनियम में तो एक को आपने थोड़ा सा दबाया तो दूसरे से थोड़ा बहुत चलता है। हाँ बिल्कुल जी जी, कीबोर्ड के लिए हमें दोनों हाथ चाहिए होते हैं, हमें यहाँ से बेस भी क्रिएट करना होता है जैसे जी, बहुत ये दोनों हाथ जब होंगे यूज तो फिर ये काम करेगा जी जी, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत, तो ये प्रैक्टिस की जरूरत है जी। मैं पिछले दिनों कुछ ऐसे था फैमिली में तो उसकी वजह से बिजी थी। कोई बात नहीं जी, हम तो यहीं बैठे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं जी जी जी। हाँ जी एडी जी, आपको आया समझ में कुछ या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं समझ में आ गया, मेरे पुराने नोट्स जो थे वो गलत थे तो, अच्छा आपने गलत लिख लिया जी, तो बीच में मेरे को बी और सी में फर्क प्रॉब्लम हो गई थी, ओ मेरे सी दो कहां से लेके आऊंगा सी, ठीक है तो अब तो सही है ना?
हाँ ठीक है, हाँ जी, अब प्रैक्टिस करेंगे सी मेजर का सिर्फ फर्स्ट पोजीशन और फिर एफ एंड जी का सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन बिल्कुल, और दो दो दफा इसको बजाना, ठीक है, हाँ जी, टू टाइम, हाँ जी, ठीक है जी, चले फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके ओके, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू जी, शुक्रिया।